वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी, जो जैसा कि हमने कल देखा था कि क्या हमने कल प्रीएम्बल तक ठीक है पॉलिटी को देखा था शॉर्ट में। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी, जो हमारा प्रीएम्बल बचा था उसमें कुछ टॉपिक बच गए थे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा था, तो ये बच गया था कि द ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन वाज ड्राफ्ट किया गया था मूव बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अल्टीमेटली बिकम द प्रीएम्बल। वो क्या हुआ अल्टीमेटली जो बिकम क्या प्रीएम्बल का जो प्रीएम्बल बना था अल्टीमेटली। ठीक, द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन से वहाँ से हमारा प्रीएम्बल लिया गया है, लेकिन यूएसए के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया, जो हमारा प्रीएम्बल है वो लिया गया है यूएन चार्टर से। ठीक, जो यूएन चार्टर का जो यूएन चार्टर का जो प्रीएम्बल है वो लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, और हमारा प्रीएम्बल लिया गया है वो यूएसए के जो यूएन चार्टर है वहाँ से उठाया गया है, ये बात है। तो यहाँ पर बात करें तो द वर्ड जो सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटेग्रिटी वो ये ऐड किए गए थे 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, 1975 से 1977 तक हमारे देश में क्या चल रहा था, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ठीक, तो उसी समय ये अमेंडमेंट किया गया था, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्योंकि इस समय इतने अमेंडमेंट किए गए थे इसमें कि आज तक उतने अमेंडमेंट किसी भी अमेंडमेंट में नहीं किए गए। ठीक, उसके बाद में जो भी गलतियाँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुई थी उसे हम 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हमने क्या किया, अमेंड कर सुधार कर दिया, उसमें इम्प्रूव कर लिया। तो वही कहा जा रहा है कि जो सोशलिस्ट सेकुलर एंड जो इंटीग्रिटी ये तीनों वर्ड कब ऐड किए गए, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड किए गए। सेकुलर क्या होता है, सेकुलर क्या है कि हमें किसी भी धर्म या कास्ट को लेकर किसी भी क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो ये होता है सेकुलर कि सभी लोग एक समान हैं, हमें किसी भी रेस या कास्ट या रिलीजन के नाम पर क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो ये होता है सेकुलर, सभी लोगों को मिलजुल कर रहना है, क्योंकि इंडिया एक क्या डाइवर्स कंट्रीज है। तो सोशलिस्ट होता क्या है, सोशलिस्ट मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ काम करना सोशलिस्ट होता है। और यहाँ पर इंटीग्रिटी मतलब सभी लोगों को मिलजुल कर रहना है। ठीक, ये बात कर रहा है इंटीग्रिटी की, एकता बना के रखना है, यूनिटी बना के रखना है। तो द प्रीएम्बल क्या बोल रहा है, अब प्रीएम्बल देखने वाले हैं, प्रीएम्बल बोल रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू द सोवरन सोशलिस्ट को सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। क्या है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होनी चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट होनी चाहिए, एक्सप्रेशन कर सकते हैं, बिलीफ फेथ एंड वर्शिप का ये स्वतंत्रता है उनके पास, ये कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं बिलीफ फेथ एंड वर्शिप जो भी इनके बारे में हो। इक्वलिटी का है, इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट करना है अमंग देम ऑल, सभी को प्रमोट करना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, सभी को इक्वल देखना है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा क्या होना चाहिए, असेवरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल होनी चाहिए एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मिलकर यूनिटी और एकता और इंटीग्रिटी बना के रखना है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को यह क्या किया, हेयर बाई अडॉप्ट किया गया एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ। ठीक, अपने द्वारा क्या गया, अपनाया गया दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने द्वारा अपना लिया गया 26 नवंबर 1949 को। तो सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो बात करें यूके से हमने क्या क्या लिया है, यहाँ पर लिया है रूल ऑफ लॉ लिया है। ठीक, रूल ऑफ लॉ मतलब होता है कि किस जो रूल बना है उसी के अकॉर्डिंग हमें, जो व्यक्ति ने किसी कोई ऑफेंस किया है तो उसी के अकॉर्डिंग जो लॉ बना है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसे पनिश करना है।
कैबिनेट सिस्टम जो लिया गया है ये सब वेस्टर्न कल्चर का है, यूके का। और प्रोरोगेटिव रिट जो रिट्स जारी होती हैं, प्रीरोगेटिव रिट्स, ये भी हमने यूके से ली हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बाइकैमरलिज्म पार्लियामेंट, कैग का ऑफिस जो है ये भी यूके से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप भी यूके से लिया है हमने। एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर कि लॉ को कैसे बनाना है, क्या करते हैं, सबसे पहले लोकसभा में बिल लाते हैं, फिर बिल को क्या करते हैं, पास करते हैं लोकसभा से, फिर राज्यसभा से पास करते हैं, उसके बाद में प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तब हमारा क्या बनता है, लॉ बनता है। तो वही प्रोसेस है, लॉ मेकिंग का प्रोसेस कहाँ से लिया हमने, यूके से, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया पर 200 साल तक राज किया है, तो इसीलिए वहाँ ज़्यादातर जो हमने हमारे प्राचीन मतलब कन्वेंशनल चले आ रहे थे उसी सिस्टम को हमने फॉलो किया, क्योंकि हमें उसके बारे में हम लोग क्या हो सकते इससे हम वावरूग थे, ठीक है, मतलब वो सब सिस्टम हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाता था, इसलिए हमने ये यूके का सिस्टम अडॉप्ट किया, मतलब बाइकैमरलिज्म पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। यूएसए से हमने क्या क्या लिया, तो यूएसए की बात करें तो यहाँ से हमने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट एज आ एक्स ऑफिसियो ये लिया, चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, अपर हाउस क्या बोलते हैं राज्यसभा को, वो वहाँ से भी लिया, वो वाला भी सिस्टम वहीं से लिया यूएसए से। फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया, ठीक, और फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया, सुप्रीम कोर्ट यूएसए से लिया, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स यूएसए से, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की बात करें या जुडिशियल रिव्यू की बात करें ये यूएसए से लिया। प्रीएम्बल कहाँ से लिया, यूएसए के चार्टर से लिया, ठीक, यूएन चार्टर से। अब रशिया से हमने क्या क्या लिया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, तो क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए वो रशिया से हमने लिया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया है कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट सेटिंग इन द प्रीएम्बल ये कहाँ से लिया है, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जापान यहाँ से लिया है, प्रोसीडर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि जो हमने प्रोसेस इस्टेब्लिश किया है उसी के अकॉर्डिंग जो क्रिमिनल होना चाहिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है, वहाँ से हमने ये लिया है। आइए और देखते हैं कनाडा से क्या लिया है, कनाडा से हमने लिया है स्कीम ऑफ फेडरेशन, मतलब फेडरल सिस्टम हमने कनाडा से लिया है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ये कनाडा से लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट एंड प्लेसिंग रेजुलेटरी पावर विथ इन द सेंटर, यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड प्लेसिंग रेजुलेटरी पावर विथ द सेंटर ये कहाँ से लिया है, ये कनाडा से लिया है। आयरलैंड से लिया है कंसेप्ट ऑफ DPSP आयरलैंड से लिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये भी आयरलैंड से है, और यहाँ पर क्या साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, यहाँ से लिया है अमेंडमेंट वाला सिस्टम, तो प्रोसीडर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो अमेंडमेंट करते हैं वो कहाँ से लिया है, वो सिस्टम हमने उठाया है साउथ अफ्रीका से। एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं किसके थ्रू, जो हमारे स्टेट में जो MLA होते हैं उनके थ्रू जो इलेक्ट होकर मेंबर आते हैं राज्यसभा में, वो ऐसा सिस्टम हमने उठाया है कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। फ्रांस से क्या लिया है, फ्रांस से लिया है रिपब्लिक वाला सिस्टम कि हमारा जो हेड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए, न कि जनरेटिक होना चाहिए कि जनरेशन बाई जनरेशन उसका बेटा है उसका वो क्या प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी ये हमने कहाँ से लिया है, इन द फ्रांस के प्रीएम्बल से, जो लिबर्टी है इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ फ्रांस से लिया है, क्योंकि जो फ्रांस में, तो ये सब हमने फ्रांस के कहाँ से लिया, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आइए अब देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं, ठीक है, तो मेन फीचर हैं, तो बुल्किस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड में। कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड भी है फ्लेक्सिबल भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम विथ अ यूनिटरी
हमारे जो कंट्री है, जो हमारा सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम भी है और यूनिटरी सिस्टम भी है। देखो नॉर्मल टाइम में फेडरल रहता है, जैसे इमरजेंसी लग जाती है नेशनल, वो क्या हो जाता है यूनिटरी सिस्टम ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इस सिस्टम को क्वाजाई फेडरल भी बोल सकते हैं। तो क्वाजाई फेडरल भी एक हमारा यूनिक फीचर्स है। फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज भी हैं, DPSP भी है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये कहाँ से लिया हमने, ये USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम भी USA से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए, ये UK से हमने लिया है। इमरजेंसी पावर ये होनी चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और ये कहाँ से, इमरजेंसी प्रोविज़न हमने कहाँ से लिए हैं, ये है हमारा, ये रहा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, तो ये है जर्मनी से लिया है। जो इमरजेंसी पावर है वो हमारे लिए है जर्मनी से, ठीक। उस कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में पार्ट 18 में ठीक है डिस्कस किया गया है, तो वहाँ से हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करें तो पार्ट हम फर्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जो पार्ट फर्स्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बात की जाए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसके बारे में बात की जाए, तो आर्टिकल 1 क्या बात करता है। आर्टिकल 1 बात करता है द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरल ऑफ स्टेट, ठीक। जो USA में है वो क्या है, फेडरल ऑफ स्टेट। फिर यहाँ पर क्या है, जो हमारा आर्टिकल नंबर 2 है वो बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बात किया गया है, कि कैसे हमें एडमिशन करना है, यानी कि बनाना है और इस्टेब्लिश करना है। फिर आर्टिकल नंबर 3 बात करता है द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू फॉर्म न्यू स्टेट, न्यू स्टेट बना सकते हैं, एंड टू ऑफ ऑल्टर द एरियाज, और उसके एरिया को डिसाइड कर सकते हैं, बाउंड्री को डिसाइड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके नेम को भी चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री को भी फिक्स कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, स्टेट एंड टू ऑल्टर द एरिया, एरिया को भी फिक्स कर सकते हैं, ये कहा गया है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 370 है वो उसका डिबोलिश कर दिया गया, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो इसका मतलब क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन गिवेन स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370, लेकिन अब ये 2019 के बाद ये डिमोलिश कर दिया गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जो पार्ट सेकंड है वो क्या बात करता है, पार्ट सेकंड बात करता है सिटीजनशिप आर्टिकल के बारे में, वो कब कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में जो आर्टिकल रखा गया है वो सिटीजनशिप, इंडिया में सिटीजनशिप का क्या प्रोसेस होना चाहिए उसके बारे में बात की गई। तो यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रिस्क्राइब करता है 5 वे टू एक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया, तो कौन कौन से भी हैं, या तो इंडिया में पैदा हुए हो तब आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय बर्थ के द्वारा, या बाय डिसेंट, या इंडिया में रह रहे हो तो यहाँ पर सर्टिफिकेट वो मिल जाएगा, ठीक, सिटीजनशिप। ये 2 नंबर हो गए। अब 3 नंबर है हमारा कि बाय रजिस्ट्रेशन हम सिटीजनशिप ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा कर हम क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं, और बाय नेचुरलाइजेशन, तो इसके नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू भी हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। कैसे कि हम मान लो हम किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन हैं, आके इंडिया में रहने लगे, और लगभग हमने क्या किया कि यहाँ हम पिछले 6 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, तो अब क्या हो गया, हम यहाँ के नेचुरलाइज पर्सन हो गए हैं, तो इनडायरेक्ट वे में क्या हो गया, हम यहाँ से अगर 10-12 साल रह रहे हैं तो हमें इनडायरेक्ट वे में नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब हम 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर हमारा क्या है, 5 नंबर है कि बाय इनकॉर्पोरेशन, या हम बाय इनकॉर्पोरेशन माना कि जो इंडिया है वो क्या किया, उसने चाइना पर कब्जा कर लिया, तो वहाँ के भी जो जितने भी सिटीजन होंगे वो हमारे सिटीजन इनडायरेक्ट में भी, इनडायरेक्ट वे में क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। मान लो हमने क्या किया, बांग्लादेश है उस पर हमने कब्जा कर लिया, तो जो बांग्लादेश के जितने भी सिटीजन होंगे वो इनडायरेक्ट वे में हमारे सिटीजन बन जाएंगे,
थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाई इन कॉरपोरेशन, यानी कि हमने उसको क्या कह लिया, उसको कंट्रोल कर लिया है। फिर थ्री मोड ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप, तो हम हमारे पास थ्री मोड हैं कि हम सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। एक तो रिनन्सिएशन, ठीक, अपने आप क्या करते हैं जो नेचुरल प्रोसेस है उसके थ्रू छोड़ देंगे, रिनन्सिएशन हो जाएगा। मतलब जैसे हमने क्या किया, किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा उसे, तो ये हो गया। दूसरी क्या हो गया, टर्मिनेशन, कि हमने क्या किया कि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली और हमें पता चल गया, तो हमने उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। डिप्राइवेशन, मतलब हमें पता चल गया कि वो व्यक्ति जो है, हमने डिप्राइवेशन मतलब इलीगल तरीके से कोई व्यक्ति घुसाया था इंडिया में और वहाँ की सिटीजनशिप ले रखा था, और हमने क्या किया, जब हमें पता चला कि वो इलीगल तरीके से घुस कर आया है, तो हमने उसे क्या किया, सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिया, तो वो हो जाएगा हमारा डिप्राइवेशन ऑफ द सिटीजनशिप। तो ये तीन प्रोसेस होते हैं सिटीजनशिप को हटाने के, मतलब लूज करने के और समाप्त करने के, और पांच प्रोसेस होते हैं सिटीजनशिप लेने के। तो ये हमारे तरीके थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट, जो 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हैं, तो इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरा लेक्चर अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद फ्रेंड्स।